दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज हार्डवेयर सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है माय डियर फ्रेंड्स, और आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे मेमोरी के बारे में, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो चलते हैं वीडियो स्लाइड प्रेजेंटेशन की तरफ माय डियर फ्रेंड्स, और आज का टॉपिक है मेमोरी। आपके सामने दो अलग अलग मेमोरी के एग्जाम्पल्स की पिक्चर्स भी लगी हुई है और इन्हीं विषय में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल क्लियरली आपके सामने मेंशनड है, आज हम मेमोरी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड प्रेजेंटेशन की तरफ और समझते हैं कि मेमोरी कहते किसको है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज मेमोरी। पहले एक्सप्लेनेशन के ऊपर फोकस करेंगे। द इंटरनल स्टोरेज एरिया ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज मेमोरी। मतलब जहां पे आप डेटा स्टोर करते हैं, कंप्यूटर के अंदर का वह भाग, वह हिस्सा, वह पार्ट, वह कंपोनेंट जहां पे आप अपना डेटा कंटेन्स कर पाते हैं, वो मेमोरी कहलाता है। और नीचे वाला एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, कंप्यूटर मेमोरी इज अ कंपोनेंट दैट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरली और परमानेंटली फॉर प्रोसेसिंग एंड फ्यूचर रिट्रीवल। तो बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी एक तरीके का कंपोनेंट है जो कि कंप्यूटर में ऑलरेडी लगा होता है। कंप्यूटर का जितनी भी ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लाइक वर्क स्टेशन टाइप ऑफ डिवाइसेस हम यूज करते हैं, इंक्लूडिंग कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट्स, मोबाइल फोन्स एंड एक्सेट्राज, तो उन सब में मेमोरी का प्राविधान जरूर होता है, क्योंकि बिना मेमोरी के आपका डेटा स्टोर नहीं होगा और बिना डेटा के आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आज की डेट में सारा गेम जो है वो डेटा का है। डेटा को कंटेन्स करने के लिए आपके पास कोई ना कोई मीडियम जरूर होना चाहिए जिसमें आप डेटा को सुरक्षित रख सकें। यहाँ पे एग्जांपल में दो अलग अलग एग्जांपल्स बताए गए हैं, रैम एंड एचडीडी एंड एसएसडी। तो यहाँ मेमोरी के मुख्य रूप से आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं, मेमोरी दो भागों में कैटेगराइज की गई है। तो यहाँ दोनों ही अलग अलग पिक्चर्स आपको दिख रही हैं। ऊपर की जो पिक्चर है उसमें आपको हार्ड डिस्क एसएसडी, एसएसडी में नॉर्मल एसएसडी और M2 एसएसडी दोनों के ही पिक्चर्स दिखाए गए हैं। तो आज के जमाने की जो स्टोरेज मीडियम है जिसे हम एसएसडी कहते हैं उसकी भी पिक्चर क्लियर है, और जो पुराने जमाने की हम हार्ड डिस्क यूज करते थे आज भी बहुत जगह यूज हो रही है। बेसिकली आप क्लाउड की दुनिया में जाके देखेंगे तो हार्ड डिस्क और एसएसडी दोनों ही अलग अलग तरीके से आपको स्टोरेज व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। तो हार्ड डिस्क और एसएसडी यहाँ पे ऊपर वाली पिक्चर में है, नीचे वाली पिक्चर में रैम क्लियरली मेंशन्ड है। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क और रैम बिल्कुल क्लैरिफाई हो रहा है कि वो दिखती कैसे है, एसएसडी कैसे दिखती है, हार्ड डिस्क कैसे दिखती है और रैम कैसे दिखती है। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड प्रेजेंटेशन में माय डियर फ्रेंड्स हमने ये जानने की कोशिश की है कि मेमोरी किसे कहते हैं। एक बार मैं रिकॉल करता हूँ, द इंटरनल स्टोरेज एरिया ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज मेमोरी। मतलब कंप्यूटर के अंदर का वह भाग, वह हिस्सा जहां पे आप अपना डेटा स्टोर कर पाते हैं उसे मेमोरी कहा जाता है। या फिर कंप्यूटर मेमोरी इज द कंपोनेंट दैट स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरली और परमानेंटली। मतलब कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण अंग और भाग होता है, बेसिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम वेयर वी कैन स्टोर आवर डेटा। अब डेटा जो स्टोर होता है वो टेम्परेरली हो रहा है या परमानेंटली हो रहा है, ये विषय है, आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दोनों ही अलग अलग उदाहरण जो दिए गए हैं, रैम, एचडीडी और एसएसडी, यहाँ पे पिक्चर में क्लियरली मेंशन है। सो बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मेमोरी को कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है। तो अगली स्लाइड प्रेजेंटेशन में विषय जो है वो है टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी को मुख्यतः दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। द फर्स्ट वन इज वोलेटाइल मेमोरी इज नोन एज प्राइमरी मेमोरी, जिसका उदाहरण रैम है, और दूसरा है नॉन वोलेटाइल मेमोरी जिसे बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, और उसका उदाहरण है हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीडी, डीवीडी, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव और अन्य। तो यहाँ पे यदि आपसे इंटरव्यूअर पूछ रहा है डू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, तो आप उसको इस तरीके से जवाब देंगे, मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, द फर्स्ट वन इज वोलेटाइल मेमोरी एंड समटाइम इट इज ऑल्सो नोन एज अ प्राइमरी मेमोरी। द एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी इज रैम एंड सेकंड वन इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी एंड समटाइम इट इज ऑल्सो नोन एज अ सेकेंडरी मेमोरी एंड द एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरीज आर हार्ड डिस्क ड्राइव, एस एस डी, सी डी, डी वी डी, पेन ड्राइव, कार्ड, मेमोरी कार्ड एंड एक्सेट्राज। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आपके सामने दो अलग अलग तरीके के मेमोरी मैंशन है माई डियर फ्रेंड्स, जिसे हम बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी
और कोई कोई इसे प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानता है। और एग्जाम्पल के रूप में आप ले जाओगे तो रैम जो है वो प्राइमरी मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है। दूसरी मेमोरी जो है वो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। और ये कोई एग्जाम्पल के फॉर्म में पूछ रहा हो तो आप बता सकते हैं हार्ड डिस्क हो गई, SSD हो गई, CD हो गई, DVD हो गई, ये जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स है। सो बढ़ते हैं अगली स्लाइड में माय डियर फ्रेंड्स, और वन बाय वन मेमोरी कैटेगराइज करते हैं कि वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं और नॉन वोलेटाइल मेमोरी किसे कहा जाता है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज वोलेटाइल मेमोरी, इज नोन एज प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी का जो उदाहरण है वो है रैम, और यहाँ पे साफ साफ रैम की पिक्चर और इमेजेस क्लियर हो रही हैं कि मेमोरी मीन्स प्राइमरी मेमोरी दिखती कैसे है। तो एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड, तो समझते हैं वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं। सो वोलेटाइल मेमोरी ऑल्सो नोन एज अ प्राइमरी मेमोरी एंड लॉसेस इट्स स्टोर्ड डेटा व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। मतलब यह है कि वोलेटाइल मेमोरी के हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो आपका डेटा तब खत्म हो जाएगा जब इसमें पावर जानी बंद हो जाएगी। मतलब क्या है, मतलब यह है कि जब तक कंप्यूटर में पावर जा रही है या फिर जब तक इस पर्टिकुलर मेमोरी में पावर जा रही है तब तक तो ये डेटा स्टोर करने के लिए कैपेबल है। जैसे पावर जानी बंद हो जाएगी इसका डेटा ऑटोमेटिकली फ्लश आउट हो जाता है, इसीलिए इसको टेम्परेरी मेमोरी कहा गया है। ठीक है, इट नीड, दूसरा एक्सप्लेनेशन पे फोकस करेंगे, इट नीड कॉन्स्टेंट पावर सप्लाई फॉर स्टोर एंड मेंटेन डेटा इनसाइड इन इट। मतलब इसके अंदर डेटा तब तक मेंटेन या स्टोर बना रह सकता है जब तक कि इसमें पावर जा रही है। तो कहने का मतलब प्राइमरी मेमोरी जो है वो आईसी से मिलके बना होता है, और आईसी मिलके बनी होती हैं बेसिकली ट्रांजिस्टर से, और ट्रांजिस्टर से एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको लगातार पावर की नीड है, पावर जानी बंद तो वो डेटा लॉस कर देता है ऑटोमेटिकली। तो वोलेटाइल मेमोरी, इफ एनी वन आस्किंग टू यू क्वेश्चन टू यू माई डियर फ्रेंड्स एज अ क्वेश्चन वॉट डू मीन बाय द वोलेटाइल मेमोरी, सो वोलेटाइल मेमोरी इज द मेमोरी विच इज नीड कॉन्स्टेंट पावर सप्लाई टू मेंटेन एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन और डेटा इन साइड इन इट। एग्जाम्पल एग्जाम्पल इज रैम। सिंपली आप उसको आंसर कर सकते हैं कि वोलेटाइल मेमोरी का जो उदाहरण है वो है रैम, और वोलेटाइल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसे लगातार पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये मिलके बनी होती है आईसी से, और आईसी डेटा तभी स्टोर कर पाएंगी जब उनको पावर कंटिन्यूअसली मिलती रहेगी तब। सो यहाँ पे आपको वोलेटाइल मेमोरी बिल्कुल क्लियर हो गई है, एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो गई है। और एक की मैकेनिज्म है वो इस बात का ध्यान रखे कि वोलेटाइल मेमोरी मीन्स प्राइमरी मेमोरी को लगातार पावर चाहिए, बिना पावर के इसमें डेटा स्टोर नहीं हो सकता है, ये इसका की कंसर्न है। ठीक है, आपको ये ध्यान रहे कि किस पर्टिकुलर मेमोरी को लगातार पावर चाहिए और किसको लगातार पावर आवश्यकता नहीं होती, तो इजिली आप कैटेगराइज कर लेंगे वोलेटाइल मेमोरी जो है उसे लगातार पावर चाहिए, जिसका उदाहरण रैम है। ठीक है, तो चलते हैं अगली स्लाइड प्रेजेंटेशन की तरफ माय डियर फ्रेंड्स, और समझने की कोशिश करते हैं कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं। सो नॉन वोलेटाइल मेमोरी सम टाइम इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी मेमोरी, एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी दैट रिटेन्स स्टोर्ड डेटा इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। मतलब क्या है, मतलब यह है कि वोलेटाइल मेमोरी जिसको सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है, ये पर्टिकुलर डेटा को तब भी स्टोर कर सकता है जब इसमें पावर ना जा रही हो। मतलब क्या है, मतलब है कि इसको लगातार पावर की नीड नहीं होगी, जब इसमें डेटा रीड और राइट किया जा रहा होगा तब तक के लिए तो इसको पावर की जरूरत होगी, और जब डेटा एक बार रीड या राइट कर लिया जाए तो उसके बाद इसको पावर की कोई आवश्यकता नहीं है, ये डेटा को मेंटेन्ड और सुरक्षित बनाए रखेगा। तो दूसरी लाइन में क्या है, इट नो नीड कॉन्स्टेंट पावर सप्लाई फॉर स्टोर और मेंटेन डेटा इनसाइड इन इट। मतलब इसके अंदर डेटा को सुरक्षित बने रहने के लिए या डेटा को मेंटेन बने रहने के लिए लगातार पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब सपोज करो आज आपने कंप्यूटर चलाया और आपने कोई एक मूवी जो है अपने हार्ड डिस्क या SSD में या मेमोरी कार्ड में या पेन ड्राइव में कहीं पे भी आपने स्टोर कर दिया। अब आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देंगे, मेमोरी कार्ड को आप एग्जिट कर लें या अपना पेन ड्राइव एग्जिट कर लें, या CD DVD रोम या रोम को जो है वो CD DVD को जो है वो एग्जिट कर लें, उसके बाद उसको पावर देने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी उसके अंदर डेटा मेंटेन बना रहेगा। जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे आपको
आपका डेटा वही प्लेस्ड मिलेगा जहां पे आपने स्टोर करके रखा था। तो इसका मतलब यह है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं, ये कुछ ऐसे मैकेनिज्म से मिलकर बनी होती है। मैकेनिज्म भी बता देते हैं हम। मैकेनिज्म में जब हार्ड डिस्क, ओल्ड स्टोरेज मीडियम हार्ड डिस्क की तरफ आप फोकस करेंगे, तो हार्ड डिस्क मिलके बनी होती थी मैग्नेटिक प्लेट्स और डिस्क से। तो मैग्नेटिक प्लेट्स और डिस्क को लगातार पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती थी। और आज के जमाने की जो एसएसडीज हैं, वो एसएसडीज बन के मिली है रोम चिप से, और रोम चिप को भी लगातार पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स में लिखा है एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, एसडीडी मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क, फ्लैश ड्राइव इंक्लूडिंग पेन ड्राइव ऑल्सो, मेमोरी पेन ड्राइव एंड कार्ड्स, मेमोरी कार्ड्स। ये सारे मुख्य उदाहरण है नॉन वोलेटाइल मेमोरी के। तो आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मेमोरी समझ में आ गई, मेमोरी के टाइप्स समझ में आ गए, और मेमोरी के टाइप्स में जो वोलेटाइल मेमोरी है या नॉन वोलेटाइल मेमोरी है वो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया। तो आप वीडियोस को टाइम टाइम पे रोक के, और जो भी इसमें थ्योरेटिकली मेंशन है उसको नोट डाउन कर लें, जिससे कि आप भविष्य में किसी भी पर्टिकुलर आंसर के लिए रेडी हो सके। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट बेस्ट एक्सप्लोरेशन के साथ माय डियर फ्रेंड्स। इट मे बी थ्योरेटिकल, इट मे बी प्रैक्टिकल, तो किसी अगली वीडियो में बेहतरीन तरीके से मुलाकात करते हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स।